तो आज मैं खेलने वाला हूँ स्काइप ब्लॉक एंड तुम लोग जानते हो कि स्काइप ब्लॉक क्या है, लेकिन जिसको नहीं पता उसको बता दूँ। यहाँ पर हमें सिर्फ दो तीन रिसोर्सेज मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ ज़्यादा दे दिया एंड हमें एक पेड़ मिलता है सर्वाइव करने के लिए। लेकिन ये नॉर्मल हमें स्काइप ब्लॉक नहीं है, यह अलग है। ये जो स्काइप ब्लॉक सेट है वो हार्ड मोड में है। अलग अगर मैं रेंडर स्ट्रेंथ बढ़ा के दिखाऊँ, मैंने वीडियो की रिकॉर्डिंग से देखा था। ये देखो भाई विलेज, वहाँ पर जो नीचे ब्लॉक्स नहीं है सीधा, वो यहाँ पर भी है, तो भी यहाँ पर भी है। ये मेरे सब लक है। आज हम इनमें से किसी एक विलेज पे जाएंगे एंड बाकी की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन एक समस्या है, और समस्या क्या है यार, तुम लोग टाइम नहीं कर, जल्दी आके मैं चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करना। तो बढ़ते वीडियो की तरफ, बनाए तरफ भाई, बनाना भूलिए कैसे बनाते हैं और क्या करना होगा। शायद से यहाँ पानी का रखना होगा। बन गया भाई, बन गया बेटा। नहीं कोई बात नहीं, यहाँ से अपनी बुट तोड़ लेते जल्दी। इसके सैपलिंग मिलेंगे, सैपलिंग हम इसके लगा देंगे। आपकी बार मत टूटिए भाई प्लीज, नहीं टूटा। यस देखा तुम्हारे भाई की प्रोनेस। चलो भाई मैं कोई नूब नहीं बोला है, कमेंट अभी जाकर कमेंट करो जल्दी जाओ एंड वीडियो को लाइक भी जरूर करना। अरे ऐसे तो बहुत कम आएगी, अगर देखो दो यार प्लेटफॉर्म बड़ा एंड विलेज तक जाने के लिए ब्लॉक्स तोड़ते हैं एंड फिर हम अपग्रेड करेंगे। उस विलेज में आयरन गोलम या फिर ब्लेजर मिलेंगे इतना मुझे नहीं पता, लेकिन मिलने तो चाहिए यार। ब्लेजर नहीं तो खाने पीने का सामान मिलना चाहिए, क्योंकि भाई मेरे पास नहीं है खाने पीने का सामान बिल्कुल भी। मैंने शायद एक बीज दिया पंपकिन का, पंपकिन से क्या होता है। ओके तो मेरे एक स्टैक कोबलस्टोन पूरा हो गया है एंड मेरी पिकैक्स भी टूट मारे, तो मैं सबसे पहले न्यू पिकैक्स बनाऊंगा। एंड हमारे पास ब्लॉक्स की कमी तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्लैब बना के भाई जहाँ जाना होगा ना वहाँ जाएंगे, क्योंकि भाई उससे डबल बनेंगे। इधर उससे बनेंगे कितने ऑलमोस्ट। तो हम सबसे पहले अपने आस पास देखते हैं क्या क्या है, दूसरा आइलैंड वगैरह ये सब कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं भाई भाई तुम बस एक है भाई, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। एंड मैं स्लैब लगा रहा हूँ तो फिर मॉब्स भी स्पॉन नहीं होंगे आराम से, बिना किसी दिक्कत के हम रात में भी आ जा सकते हैं। बस भाई ये खत्म ना हो जाए, पहुंच जाए बस वहां। अच्छा भाई इतना मैं वहां तक पहुंच रहा हूँ भाई, मेरा एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी जाके मैं डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ तो मेरे ब्लॉक्स तो ख़त्म हो चुके हैं, मेरे को वापस जाना पड़ेगा। लेकिन भाई अब तक मैं आधा भी नहीं लग रहा मुझे पहुँचने में, मुझे ये वाला विलेज पास लग रहा है लेकिन भाई ये दूर लग रहा है। एनीवे भाई चलते हैं वापस लेकर आते हैं अपना कोबलस्टोन की स्लैब्स भाई। ओके तो इतनी मेहनत करके मैंने दोबारा से स्लैब तो बना ली है, आई होप ये इतनी काफ़ी होगी। ये सब मैंने थोड़ी ज़्यादा माइनिंग कर ली एंड तुम लोग बोलोगे पिकैक्स का, तो भाई देखो पिकैक्स मैंने दूसरी बनाई, ये वाली पिकैक्स टूट गई थी। तो गाइस यार मैं यहाँ तक पहुँच तो चुका, लेकिन अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं नीचे का बाई चांस नीचे चला भी गया तो ऊपर कैसे आऊँगा। नीचे चलो मैं चला गया वहाँ पानी है ठीक है, लेकिन नीचे भाई पूरा वाइट है, वहाँ से कैसे वापस आऊँगा। तो वहाँ पर दो आइस बॉल मिली, नहीं वेस्ट नहीं करी थी, एक साइड मैंने पानी भर के रख लिया था। तब जल्दी जाकर मैं वाटर बकेट लेकर आता हूँ, देन हम लोग विलेज में देखते हैं क्या लूँ। तो वैसे मैं अभी यहाँ से जाहिर आते ही तो मैंने क्या देखा, हमारे स्केली भैया वहाँ तक पहले स्पॉन हो गए। अब मेरे पास कुछ है भी नहीं बचने के लिए, मेरे हंगर बार भी जा रहा है भाई, लेकिन इस पर तो स्पॉन नहीं होते ना। तो बस मैं तुम्हें बताना भूल गया कि ये जो वर्ल्ड है, मैंने तुम्हें शुरुआत में कहा था हार्ड है, लेकिन हार्ड तो है, लेकिन जो मेन चीज़ है जो अभी हमें स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है ना बाकी के, तो वो हर रोज अनलॉक हो गए, हर एक दिन पे, माइनक्राफ्ट के दिन पे नहीं रियल लाइफ वाले दिन पे। मतलब मैं जैसे माइनक्राफ्ट का एक दिन 20 मिनट का होता है और रियल लाइफ का 24 घंटे का, तो 24 घंटे बाद जाके नया वो होगा, नया स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक क्रिएट होगा जिसमें हमें ओपी लूट मिलेगी। अपने ठीक ठाक मिल जाएगी, काम चलाओ देन एंड में हमारा एंड पोर्टल चलते हैं अभी वहाँ पर विलेज में। बस इसके लिए भैया चले गए हो, फिर कौन हो गए हो शायद, हाँ हो गए, बहुत जल्दी हो गए यार भाई गिर ना जाओ यार, मैं डर लग रहा है। तब यहाँ से नीचे मैंने यहाँ पानी तो गिरा दिया, ब्लैक्स में थे घर के ऊपर गिराया भाई मैंने, गए
क्योंकि ब्लैक स्मिथ में हमें आयरन या डायमंड कुछ ना अच्छी चीज़ तो मिल सकती है, फूड भी मिल सकता है। बस एक आएगी ऐसे ही जल्दी अबे हो गया सत्यानाश। देखिए मैं क्राउच करा हुआ था, ये पेड़ भी नहीं होगा अब तक मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ना तो वुड है ना कुछ, अब इसको बोलने का वेट करना पड़ेगा। क्या है देख रहे तो है वो से कोई अच्छी चीज़ मिल जाए जहाँ से मैं उसे ले आऊँ। लेकिन वहाँ पर तो वुड भी नहीं, वुड भी है भाई मतलब अंधी वुड, पेड़ की टेंशन खत्म। ओके मैं भी यहाँ तक तो आ चुका हूँ एंड मैं जब आया था तो यहाँ पर भाई स्पाइडर था जिसके साथ मैंने 1v1 करा एंड इस लड़ाई में वो स्पाइडर बेचारा मारा गया। पर कोई नहीं यहाँ पर हम देखते हैं, आई थिंक उसे नीचे वॉइड होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है क्योंकि नीचे कुछ था नहीं। तो हाँ भाई देखो मैंने कहा था अगर मैं कोई ब्लॉक तोड़ूंगा तो सीधा गाली। भाई आयरन कारना मिल गया, सैपलिंग भी मिल गई भाई, हमारा पूरा तो नहीं मिला बस छाती रह गई है ना। चुपचाप निकल जाता यहाँ से, यहाँ पर कोई देखो नहीं मिली है भाई, देख रहे हो गंदी किस्मत। सो करते हैं इस वीडियो का एंड, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अगर थोड़ी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।